बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएसआई फॉर ग्रेड 6। हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है विंड्स एंड साइक्लोन्स। विंड्स मीन हवा, साइक्लोन्स मीन तूफान। साइक्लोन्स हमारे तूफान होती है। ऐसी हवा होती है जो घूमती हुई ज्यादा प्रेशर वाले एरिया से कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ जाती है। अब साइक्लोन्स हमारे पास कम शिद्दत वाली भी होती है और शदीद शिद्दत वाली भी होती है। कल हमने साइक्लोन और एंटी साइक्लोन्स के दरमियान जो डिफरेंस था वो भी एक्सप्लेन किया था। ये हमारे पास तूफानों की काइंड्स होते हैं। साइक्लोन्स हमारे पास कौन सी किस्म होती है? ये दायरे की शक्ल में चलती हुई हवा का इलाका जहाँ मरकज में हवा का दबाव कम होता है, तो ये हमारे पास साइक्लोन आते हैं। अब साइक्लोन जिसके मरकज में हवा का दबाव कम होता है, ये हमारे पास क्या करते हैं, यानी इसके नतीजे में हमारे पास बहुत ज्यादा नुकसान या डिस्ट्रक्शन का बायस बन जाते हैं। और इसकी जो एस्टिमेट लगाया है जो साइंसदानों ने कि इसका जो मीडियम जो हमारे पास मीडियम यानी जो दरमियानी दर्जे का साइक्लोन होता है उसके हैज द पावर ऑफ हाफ अ मिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब। उसके अंदर इतनी ही ताकत होती है जितना 5 लाख न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर होती है, यानी जितना इस तरह का न्यूक्लियर हमारे पास तबाही क्रिएट कर सकता है, तो हमारे पास दरमियाने दर्जे का जो साइक्लोन है ये उतनी ही तबाही क्रिएट कर सकता है। अब एंटी साइक्लोन हमारे पास कौन से होते हैं? ये दायरे की शक्ल में चलती हुई हवा का इलाका जहां हवा का दबाव मरकज में ज्यादा होता है, इसके नतीजे में हमारे पास वेदर किस तरह होता है? इसके नतीजे में हमारे पास जो वेदर होता है वो वार्म, ड्राई एंड फाइन होता है। इसके बाद जो हमारे पास तूफानों की एक और किस्म है वो है टोर्नेडो। लेकिन इस पिक्चर में आप देख ले साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के दरमियान जो डिफरेंस है। आप सेंटर में देखिए, साइक्लोन में हवा का जो प्रेशर है वो कम है जो बहुत ज्यादा खराब मौसम का बायस बन जाता है। और एंटी साइक्लोन में आप देख सकते हैं कि इसमें हवा का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो मौसम है वो नॉर्मल रहता है। कल हम इसका डिफरेंस भी बता चुके हैं। अब टोर्नेडो मच smaller but much more violent. Violent means shadeed. Kind of cyclone is called a tornado or hurricane. Cyclone ka chota magar shadeed kisam ka tufan tornado ya hurricane kehlata hai. Ab iske naam different hai magar kisam ek hi hai. मुख्तलिफ जगहों में वक्फ गजीर होने की वजह से उनको मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। जैसे हुरिकेन कहाँ पर होती है? जैसे नॉर्थ एटलांटिक ओशन है और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक, यहाँ पर जो तूफान टोर्नेडो की शक्ल में हमारे पास आ जाते हैं उसको हुरिकेन का नाम दिया गया है। दीस फॉर्म ओवर द सी, ये हमारे पास कहाँ पर बनते हैं? समंदर में बनते हैं। एंड कैन बी ओनली अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स अक्रॉस, और ये चंद सैकड़ों की मीटर तक फैले होते हैं। बट विंड स्पीड कैन बी एज मच एज 400 to 600 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसमें हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ होती है, ये बहुत ज्यादा तेज होती है, यानी कि 400 से लेकर 600 तक फी घंटा की रफ्तार होती है साइक्लोन में। समटाइम्स दे सक अप, सब अब मीन जजब कर लेना। ए वास्ट, वास्ट मीन वसी यानी बड़ी मकदार। ए वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सी टू फॉर्म ए स्वर्लिंग, स्वर्लिंग मीन घुमाव, कॉलम ऑफ वाटर कॉल्ड अ ट्विस्टर और वाटर स्पोर्ट। बाज औकात ऐसे हो जाता है कि ये समंदर से यानी ये घूमती हुई हवा समंदर से एक बहुत बड़ी मकदार में पानी को जजब कर लेती है और ऐसे बन जाता है जैसे ये हमारे पास पानी का एक गड़ा सा हो या पानी का एक नाला सा हो।
टोर्नेडो ऑफन मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड, और बाज औकात ये जो टोर्नेडो होते हैं ये हमारे पास समंदर से खुश्की की तरफ भी सफर करते हैं, यानी खुश्की की तरफ हरकत शुरू कर देते हैं। वेयर इट कैन डू ग्रेट डैमेज, और जहां यानी ये खुश्की की तरफ चले जाते हैं तो ये खुश्की में बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बन जाते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा तबाही क्रिएट कर देते हैं। डिस्ट्रॉइंग हाउसेस, इवन घरों को भी तबाह कर देते हैं। एंड लिफ्टिंग कार इन टू एयर फॉर डिस्टेंसेज ओवर, डिस्टेंसेज मीन फासला, ऑफ ओवर अ किलोमीटर, यहाँ तक कि गाड़ियों को भी उठा कर किलोमीटर्स के फासले पर ले जाते हैं। इन पाकिस्तान अ टोर्नेडो इज कॉल्ड एन आंधी व्हेन इट इज ओवरलैंड, और पाकिस्तान में यही टोर्नेडो जब खुश्की में हो तो हम उसको आंधी कहते हैं। एंड अ तूफान ओवर द सी, लेकिन अगर यही टोर्नेडो समंदर में हो, समंदरी तूफान हो, तो फिर हम उसको तूफान कहते हैं। इन वेरी ड्राई प्लेसेस सच एज बलोचिस्तान, द ट्विस्टिंग कॉलम ऑफ एयर समटाइम्स सक्स अप ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ सैंड एंड इज कॉल्ड अ डस्ट डेविल, डेविल मीन शैतान। बाज़ औक़ात ये जो खुश्क इलाके हैं पाकिस्तान में, खास तौर पर जो बलूचिस्तान का सूबा है, हमारे पास ये जो टोर्नेडोज होते हैं ये यहाँ से बहुत बड़ी मकदार में रेत के जर्रात को अपने आप में जज़ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डस्ट वाले तूफान यानी कि गर्द आलूद वाले तूफान बन जाते हैं। What is a tornado? अच्छा, अब आप इस पिक्चर्स में टोर्नेडो की शेप्स देख सकते हैं। A tornado is a destructive spinning funnel cloud which destroy everything is in its way. टोर्नेडो की जो शेप हमारे पास होती है वो फनल टाइप होती है, और ये इतनी खतरनाक होती है कि इसके रास्ते में जो भी कुछ आता है वो तबाह हो जाता है, वो इसको तबाह कर देते हैं। अ ट्विस्टर और वाटर स्पॉट इज अ स्वर्लिंग कॉलम ऑफ वाटर सक्ड बाय विंड्स फ्रॉम द सी। अब हमारे पास वाटर स्पॉट कौन सी किस्म की आंधी होती है, ये सतह समंदर पर चक्राती हुई जो तूफान है ये हवा, धुंध और पानी से बना हुआ होता है, यानी वो तूफान जो हवा, धुंध और पानी से बना हुआ हो उसको हम वाटर स्पॉट कहते हैं। डस्ट डेविल से हमारे पास कौन सी मुराद है, ये चक्राती हुई आंधी जिसमें रेत और गर्द पाई जाती है, और ये कहाँ पर, ये जो ड्राई एरियाज होते हैं वहां पर हमारे पास डस्ट डेविल होते हैं। अब हम इसके रिटर्न वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सप्लेनेशन हमारे पास खत्म हो गई है। बेसिकली इसमें तूफानों की जो काइंड्स थे उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि साइक्लोन, एंटी साइक्लोन एंड टोर्नेडो। अब इसके कंटेंट्स अपने साथ नोट कर ले, आपके पास रफ नोटबुक होनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कोई भी नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें टू है, और ट्रू फॉल्स इसमें सिक्स है। Long question number one, define cyclone and anticyclone. Also differentiate between them. Cyclone or anticyclone क्या होता है और basically दोनों के बीच में फर्क क्या होता है। सबसे पहले आपने इसको define करना है। Winds usually blow from one direction at a time, but sometimes they spin round and round in spirals. बाज हवा जो होती है ये हमारे पास अमूमन एक ही सिम्त में चलती रहती है, लेकिन बाज औकात ये गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। दे आर कॉल्ड साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन, जिसको हम साइक्लोन और एंटी साइक्लोन कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, द डिफरेंसेस बिटवीन दीज आर बिलो। साइक्लोन स्पिन्स राउंड
एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साइक्लोन अगर हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बने तो उसकी जो सिंथ होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। और एंटी साइक्लोन, इसका नंबर फर्स्ट पॉइंट, स्पिन्स अराउंड क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर एंटी साइक्लोन हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बन जाए तो उसकी जो सिंथ होती है वो क्लॉकवाइज होती है। नंबर सेकंड साइक्लोन में सेकंड पॉइंट, एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अगर साइक्लोन सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो फिर हमारे पास क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब हमारे पास एंटी साइक्लोन, इसकी जो सिंथ है वो किस तरह से होती है, ये क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। एंटी साइक्लोन अगर सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो इसकी जो सिंथ है वो क्लॉकवाइज होती है, और अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो फिर ये हमारे पास क्लॉकवाइज होती है, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो एंटी क्लॉकवाइज होती है। नंबर थर्ड, एयर प्रेशर ऑन द अर्थ इज हाई। और यहाँ पर जो हमारे पास हवा का प्रेशर होता है साइक्लोन में, ये बहुत ज्यादा जैसे कल भी मैं आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ, फिर मैं यही डिफरेंसेस बता रही हूँ। एंटी साइक्लोन का सेकंड पॉइंट देखिए, एंटी साइक्लोन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होते हैं इन द सदर्न हेमिस्फीयर में, और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो फिर क्लॉकवाइज होता है। नंबर थर्ड पॉइंट, एयर प्रेशर ऑन द अर्थ इज लो। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि मरकज में हमारे पास हवा का जो प्रेशर है वो कम होता है, और एंटी साइक्लोन में क्या होता है, एयर प्रेशर ऑन द अर्थ इज हाई। यहाँ पर हमारे पास हवा का जो प्रेशर होता है ये बहुत ज्यादा हाई होता है। कवर ए स्मॉलर एरिया, साइक्लोन हमारे पास कम इलाके पर फैले होते हैं, और एंटी साइक्लोन कवर्स अ बिग एरिया, ये एक बड़ी इलाके पर फैले होते हैं। नंबर फिफ्थ, विंड स्पीड इज स्ट्रॉन्गर। साइक्लोन में हवा की जो रफ्तार होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, मजबूत होती है और शिद्दत के साथ होती है, जबकि एंटी साइक्लोन में किस तरह से ये होता है, विंड स्पीड इज फेयरली जेंटल। यहाँ पर हमारे पास हवा की जो रफ्तार है वो नॉर्मल यानी आहिस्तगी के साथ चलती है। नंबर सिक्स, साइक्लोन के नतीजे में हमारे पास वेदर यानी मौसम कैसे होता है, बैड वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन। हमारे पास मौसम खराब होता है और बहुत सारा जो बहुत ज्यादा बारिशों का बायस बन जाता है। नंबर सिक्स, फाइन वार्म एंड ड्राई वेदर। एंटी साइक्लोन के नतीजे में हमारे पास किस तरह का मौसम होता है, ये हमारे पास गर्म और खुश्क होता है। नंबर फिफ्थ, अ मीडियम स्ट्रेंथ साइक्लोन हैज द पावर ऑफ फाइव लेफ्ट न्यूक्लियर बॉम्ब। और जो हमारे पास दरमियानी दर्जे का साइक्लोन है ये फाइव लेफ्ट न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी तबाही क्रिएट कर सकता है। एंटी साइक्लोन क्या करता है, एंटी साइक्लोन विंड्स आर फेयरली जेंटल, द एटमॉस्फेयर इज काम। यहाँ पर हमारे पास हवाओं की जो रफ्तार होती है वो जेंटल रहती है, कुछ गवार रहती है, नॉर्मल रहती है। अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर टू, राइट अ नोट ऑन टोर्नेडो। जैसे आज हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि टोर्नेडो किसे कहते हैं, अ टोर्नेडो इज अ डिस्ट्रक्टिव स्पिनिंग फोनल शेप क्लाउड विच डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन इट्स वे। हमारे पास जो टोर्नेडो की शेप होती है वो फनल टाइप होती है, और ये इतनी खतरनाक होती है कि इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो सब कुछ तबाह कर देता है।
Explanation: A much smaller but more violent kind of cyclone is called a tornado or hurricane. हमारे पास ये तूफान की सबसे शदीद किस्म होती है जिसको हम टोर्नेडो या हुरिकेन कहते हैं. दिस फॉर्म ओवर द सी, ये हमारे पास समंदरों में बनते हैं. एंड कैन बी ओनली अ फ्यू हंड्रेड मीटर अक्रॉस, और ये कई सैकड़ों मीटर तक फैल जाते हैं. बट विंड स्पीड कैन बी एज मच एज 400 to 600 किलोमीटर पर आवर. लेकिन हमारे पास इसमें जो हवा की रफ्तार है वो 400 से 600 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है. इन पाकिस्तान अ टोर्नेडो इज कॉल्ड एन आंधी व्हेन इट इज ओवर लैंड. पाकिस्तान में जब टोर्नेडो खुश्की के इलाकों में हो तो हम इसको आंधी कहते हैं. एंड अ तूफान ओवर द सी, लेकिन अगर यही टोर्नेडो समंदर में हो तो फिर हम इसको तूफान कहते हैं. ट्रू फॉल्स, विंड इज नॉट अ मूविंग एयर. जो ट्रू फॉल्स है यानी इसमें से जो करेक्ट है इसके सामने आपने ट्रू लिखना है, और जो फॉल्स है उसके सामने आपने फॉल्स लिखना है. विंड इज नॉट मूविंग एयर, दैट इज फॉल्स. नंबर सेकंड, बांग्लादेश इज पर्टिकुलरली अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स व्हिच कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. इज दिस अ ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू. बांग्लादेश इज पर्टिकुलरली अफेक्टेड, क्योंकि बांग्लादेश साइक्लोन से बुरी तरह से मुतासर हो जाता है जो बहुत ज्यादा तबाही का बायस बन जाता है. दैट इज ट्रू. साइक्लोन्स आर स्मॉलर देन एंटी साइक्लोन्स. अब साइक्लोन्स हमारे साथ एंटी साइक्लोन की बनिस्बत छोटे होते हैं, ये भी बिल्कुल ट्रू है. The anti-cyclone winds are usually fairly gentle. जैसे आज भी हमने ये डिस्कस कर लिया है, ये बिल्कुल ट्रू है. नंबर फिफ्थ, rainfall over the sea is called a tufan in Arabic, Persian and Urdu. That is wrong. Mean that is false. In France, a tornado is called andhi. That is false. Andhi इसको पाकिस्तान में कहा जाता है. होमवर्क एंड दिस इज द शेप ऑफ फनल. जैसे हमने कहा कि टोर्नेडो की जो शेप है वो फनल शेप होती है. दैट इज द पिक्चर ऑफ फनल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 बताइए. क्वेश्चन नंबर 1 ये देखा है सर, बाकी अब हम लोग. अच्छा सही है, ये है बाकी वो होमवर्क. अच्छा होमवर्क आपने रीडिंग करनी है बुक पेज 14 की, क्योंकि 12 एंड 13 आप लोग पढ़ चुके हैं. क्या समझो? क्वेश्चन 1. अच्छा क्वेश्चन समझो. अच्छा मैं आपको समझा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, इसमें साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का डिफरेंसेस आपको बताया गया है. बाकी साइक्लोन्स के डेफिनेशन तो आसान है, लेकिन डिफरेंसेस समझ लीजिए. जैसे कल मैंने आपको नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर समझाया था, उसके मुताबिक ये है. साइक्लोन स्पिन्स राउंड एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. साइक्लोन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो उसमें जो हवाओं की जो सिम्त है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और अगर एंटी साइक्लोन हमारे पास स्पिन्स राउंड क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एंटी साइक्लोन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो ये क्लॉकवाइज होता है. फिर से दिमाग में बैठा दीजिए, जो साइक्लोन होती है अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर एंटी साइक्लोन हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो ये क्लॉकवाइज होगा. नंबर सेकेंड पॉइंट, क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. साइक्लोन अगर सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाए तो ये क्लॉकवाइज होगा. अब एंटी साइक्लोन अगर सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा. ये बिल्कुल इनकी अपोजिट सेंस हो जाती है. जब हेमिस्फीयर चेंज होता है तो इनकी जो सेंस है वो भी चेंज हो जाती है. अब इसमें नंबर थर्ड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता भी दिया कि साइक्लोन के मरकज में हवा का प्रेशर कम रहता है, जबकि एंटी साइक्लोन में हवा का जो प्रेशर है ये शदीद रहता है. साइक्लोन हमारे पास ज्यादा एरिया पर
फैली हुई नहीं होते, यानी ये कम एरिया पर होते हैं, जबकि एंटी साइक्लोन हमारे पास बहुत ज्यादा एरिया पर फैल जाते हैं। विंड स्पीड इज स्ट्रॉन्ग, साइक्लोन में हवा की शिद्दत होती है ये बहुत ज्यादा तेज होती है। अच्छा, और जो एंटी साइक्लोन होती है इसमें हवा इतनी शिद्दत के साथ नहीं होती। साइक्लोन्स के नतीजे में हमारे पास खराब मौसम होता है और बहुत ज्यादा बारिशों का बायस बनता है, जबकि एंटी साइक्लोन के नतीजे में हमारे पास मौसम उम्दा रहता है, ड्राई रहता है, वार्म रहता है, वो तूफानों वाला नहीं होता। बस इतना डिफरेंस काफी है। Okay.